जोधपुर शहर की सफाई से जुड़े कर्मचारियों को मान सम्मान देने के लिए आज जोधपुर नगर निगम और मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से एक अनूठी पहल हुई। इस पहल के तहत सफाई कर्मचारियों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए सामूहिक भोज और सामूहिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम के लगभग 3,500 से अधिक सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया। इस अनूठे आयोजन के अंदर शहर के बड़े गणमान्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की एक विशेषता यह भी रही कि नगर निगम ने अपने जोनवार कर्मचारियों को अलग अलग चीज़ों के लिए पुरस्कृत भी किया। यह पहला मौका है कि शहर की सफाई करने वाले लोगों को इस तरह का सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में महापौर घनश्याम ओझा और जोधपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने सभी सफाई कर्मियों का हौसला अफजाई की और उनके लिए अपना सम्मान प्रकट किया। तमाम विषम परिस्थितियां सुबह 6 बजे कड़ाके की सर्दी हो बरसात हो ऐसे निकलकर हाथ में झाड़ू लेकर उन जगहों पर जब मोड़ा जिक्र करें जिससे जाने की किसी हिम्मत नहीं होती, हम लोग भी मुंह नाक ढककर वहां जाते हैं। ऐसी जगह जाकर उस स्थान को स्वच्छ करते हैं। गंदा से गंदा स्थान जाने किसी कल्पना नहीं कर सकता, वहां जाके ये लोग जाके काम करते हैं। इसलिए वास्तव में हम नहीं धन्यवाद के पात्र ये लोग हैं। पहले हम लोग केवल इन लोगों से एक काम समझते थे कि काम सफाई करना है, केवल इनका काम सफाई करना है। लेकिन मैं इस मौके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने इस समुदाय की इज्जत बढ़ाने के लिए, इस समुदाय को मान देने के लिए पहली बार खुद सड़क पर झाड़ू लेकर निकले और लोगों को बताने की कोशिश की ये काम छोटा काम नहीं है, ये काम क्यों इनका नहीं है, हम सबका काम है। जब तक हम सब मिलकर ये काम नहीं करेंगे तब तक इस हमारे क्षेत्र को, हमारे शहर को, हमारे राज्य को, हमारे देश को सोच नहीं पा सकते। जोधपुर पुलिस की तरफ से, जोधपुर पुलिस का प्रत्येक जवान की तरफ से आप सबको सम्मान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस शहर का जो सुंदरता है, इस शहर का जो स्वास्थ्य जो लेवल है, उसके लिए जो योगदान आप दे रहा है वो और कोई कर्मचारी नहीं दे रहा है। आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि जितना आप काम कर रहे हैं सुबह से उठ के शाम तक, जो भी इस शहर का सफाई के लिए आप काम कर रहे हैं उससे इस शहर का इमेज बनता है। जोधपुर इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो भी पर्यटक यहाँ आता है आपके काम सबसे पहले उसको नजर आता है। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास करते रहते हैं।